नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अमौर थाना क्षेत्र के भोकरी गांव में रविवार की दोपहर ठनका गिरने से एक युवती की मौत हो गई। युवती की पहचान मोहम्मद जहीर की पुत्री नाजरा उम्र 16 वर्ष के रूप में की गई है। उसकी मौत के बाद स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि नाजरा रविवार की दोपहर अपनी खेत से गाय लेकर आ रही थी। इसी क्रम में तेज गर्जन के साथ बारिश आ गई। बारिश के दौरान ठनका उसके शरीर पर गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खेत पर काम कर रहे अन्य लोगों ने इसकी सूचना गांव में दी। सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय उप प्रमुख मोहम्मद फैजान, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद फयाज, वार्ड सदस्य रफीक, मोहम्मद शमीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम फैजान हुआ, प्रेजेंट प्रमुख हूँ अमर ब्लॉक का। मेरा DCLR सर से और SDM मैडम से आग्रह यह है, आज जो घटना घटी है करका वाला, इसमें हमारे मझवाहाट पंचायत का नाजरा खातून, पिता का नाम जहीर है, इसकी मृत्यु हो गई है। मेरा उनसे आग्रह यह है कि बिना पोस्टमार्टम किए ही इसको कम से कम जो है जो आपदा का लाभ है वो दिया जाए। क्या घटना हुई है? घटना हुआ कि बारिश से पहले आंधी आई, उसमें करका में ही बचाव गया था गाय के लिए, उसी में हादसा में बचा गया। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम नाजरा है। पिता का नाम? पिता जही। क्या कोई करवाएगा उसका? उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, सरकार लाभ देगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद रफी। क्या नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 6। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना ये हुई कि वो लड़की चली गई थी गाय के लाने के लिए, समझे ना। करका जो गिरा उसका इस पर वही जो है उसका ये हुआ, उसको कंधा पर आदमी सब जो है उठा करके यहाँ लाया गया, डॉक्टर के यहाँ गया। हम नबज भी देखे, उसमें नबज नहीं चल रहा था, मृत्यु हो गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्ची का नाम है नाजरा। उम्र कितना होगा? 16 साल। 16 साल। अच्छा, पोस्टमार्टम कराएगा क्या? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।